बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। यही वजह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमेशा कहते थे कि शिक्षित जब तक आप नहीं होंगे तब तक आप संगठन की महत्ता नहीं समझ पाएंगे। जब तक आप संगठन की महत्ता नहीं समझेंगे तब तक आप लड़ने लायक नहीं बनेंगे। इसलिए जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देखा था, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, उस परिनिर्वाण दिवस में हमें यह संकल्प करने की आवश्यकता है कि जब तक शिक्षित बनो का उनका जो सपना था वो साकार नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है कि हम अपने कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में, यूनिवर्सिटीज में, स्टडीज में, रिसर्च में कहीं ना कहीं उस न्याय की तो बात हम जरूर करते हैं, लेकिन जो इक्वालिटी का जो एक जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देखा था आज भी वो अधूरा है। इसलिए हम इन एजुकेशन संस्थाओं में उन रिसर्च स्कॉलर को लेकर आए जो उनका अध्ययन करें। यही वजह थी कि मैंने जो बात की शुरुआत की थी, अगर हम पूरा साउथ एशिया की बात करते हैं, अगर हम पूरे के पूरे साउथ एशिया में जो एक तरह सा जातिवाद की जो एक प्रकाष्ठा है, जहां आज भी जब रिसर्च स्कॉलर अपना टॉपिक डिसाइड करता है तो वो कहीं ना कहीं उसके अपना एक ऐसा माइंडसेट होता है शिक्षण संस्थाओं का जो रिसर्च इस तरीके से इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं हो पाती। यही वजह है कि अगर हम बिल्कुल पूरे इतिहास को सर्वे करके देखें तो रिसर्च में अभी तक ऐसी रिसर्च हमारे सामने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संदर्भ में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद अभी तक शायद कुछ ही स्कॉलर ऐसे हुए होंगे जिन्होंने उस लक्ष्य को हासिल किया था या जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज आज हम कह सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी तक भी